नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारा विषय है मटर की जैविक खेती कैसे करें, उसके लिए उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, देखभाल आप अपनी फसल की किस प्रकार करें और आपको मटर की जैविक खेती से कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान बंधुओं को कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हों तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना आप मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं मटर की जैविक खेती कैसे करें। किसान भाइयों, मटर की जैविक खेती उत्पादन की एक पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन हेतु प्राकृतिक संसाधनों यानी कि गोबर की सड़ी खाद, जैव उर्वरक का प्रयोग, मटर आदि फसलों के पादप पोषण एवं रसायन रहित कीट रोग या खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। अर्थात जैविक खेती में रासायनिक खादों, कीट रोग एवं वृद्धिकारक तत्वों का प्रयोग निषेध है। मटर की जैविक खेती में कृषक कम लागत से अधिक गुणवत्ता युक्त सब्जी मटर का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उत्पादकों को इसकी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है कि मटर की जैविक खेती कैसे करें। चूंकि मटर की रासायनिक खेती में न चाहते हुए भी उत्पादकों को 8 से 10 छिड़काव कीटनाशकों के करने पड़ते हैं, जिससे मटर की फसल यानी फल विषैले हो जाते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। रसायनों से भूमि बंजर हो रही है और पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसलिए मटर की जैविक खेती वर्तमान की आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप मटर की जैविक खेती कैसे करें उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि आप मटर की रासायनिक उन्नत वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारा वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक जागृति पर सुन सकते हैं। ये तो थी किसान भाइयों कुछ समस्याएं और विशेषताएं। अब बात करते हैं मटर की जैविक खेती की प्रक्रिया की। सबसे पहले उपयुक्त जलवायु। मटर की जैविक फसल के लिए नम और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, अतः हमारे देश में अधिकांश स्थानों पर मटर की फसल रवि की ऋतु में उगाई जाती है। उन सभी स्थानों पर जहां वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है वहां मटर की फसल सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। मटर के वृद्धि काल में अधिक वर्षा का होना अत्यंत हानिकारक है, इसकी खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त है। उसके बाद है किसान भैया भूमि का उपचार। फलीदार फसल होने के कारण उन सभी कृषि योग्य भूमियों में जिनकी उपयुक्त मात्रा में नमी उपलब्ध हो और मटर की खेती उसमें सफलतापूर्वक की जा सकती है। जैविक पदार्थ की बहुलता वाली मटियार दोमट और दोमट भूमि मटर की खेती के लिए उत्तम है। बलुआर दोमट मिट्टी में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर मटर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो वह उपयुक्त है। उसके बाद है किसान भाइयों खेत की तैयारी। मटर की जैविक खेती के लिए खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लें। अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। गोबर की खाद के बदले केचुआ खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बीजों के अच्छे जमाव के लिए खेत में उचित नमी का होना आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा पाउडर से मिट्टी को बुआई से पूर्व उसमें मिलाकर उसको उपचारित कर लें। बुआई से पूर्व उपचारित खाद को खेत में फैला दें और ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से फफूंद या कवक जनित रोगों की रोकथाम प्रभावी ढंग से होती है। और यदि किसान भाई ट्राइकोडर्मा की जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में हमने विस्तार से लिखा है और वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है, इसके फायदे क्या हैं, आप इसका किस प्रकार प्रयोग करें। उसके बाद है किसान भाइयों उन्नत किस्में। मटर की जैविक खेती के लिए उत्पादकों को अपने क्षेत्र की उन्नत और अधिक उत्पादन देने वाली किस्म का चयन करना चाहिए।
ताकि उसको मटर की जैविक फसल से अधिकतम उपज प्राप्त हो सके। साथ यदि संभव हो सके तो जैविक प्रमाणित बीज का प्रयोग आप बुआई के लिए करें। मटर की कुछ प्रचलित किस्में इस प्रकार हैं किसान भाइयों, आरकेल, बोनवियल, अर्ली वेजर, अर्ली दिसंबर, एसओजी, जवार मटर, ता 1959, एनपी 29, कन्नौज, कन्नौरी, लिंक VL3, पालम पीरिया, सोलन निरोग, जीसी 477, पंजाब नवासी, पंत मटर 155/57 और विवेक मटर 8/9 आदि प्रमुख और प्रचलित किस्में हैं। किसान भाई यदि आपके क्षेत्र की कोई अन्य प्रचलित किस्म है अधिक उत्पादन देने वाली तो आप उसका भी प्रयोग अपनी फसल उगाने के लिए कर सकते हैं। और यदि आप इन किस्मों की विस्तार से जानकारी चाहते हैं विशेषताओं और पैदावार के साथ तो यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारा वीडियो भी सुन सकते हैं। किस्मों के बाद बात आती है बुआई का समय। मैदानी क्षेत्र अगेती किस्मों के लिए बुआई का समय 10 अक्टूबर से 10 नवंबर और मध्यम किस्मों के लिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक उपयुक्त रहता है। निचले पर्वतीय क्षेत्र अगेती किस्मों के लिए बुआई का समय सितंबर से अक्टूबर और मध्यम किस्मों के लिए नवंबर तक उपयुक्त है। मध्यम पर्वतीय क्षेत्र अगेती किस्मों के लिए बुआई का समय सितंबर का पहला पखवाड़ा और मध्यम किस्मों के लिए नवंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र अगेती किस्मों के लिए बुआई का समय मार्च से जून और मध्यम किस्मों के लिए अक्टूबर से नवंबर तक उचित है। उसके बाद है किसान भाइयों बीज का उपचार आप किस प्रकार करें। मटर की जैविक खेती है तो स्वस्थ व रोग मुक्त जैविक प्रमाणित बीज का चयन करना चाहिए तथा खेत में बीज बोने से पहले बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा और जीवामृत से आप करें। उसके बाद अब बीज दर और अंतराल यानी दूरी और बीज की मात्रा। मटर की जैविक खेती के लिए शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मध्यम तथा देर से पकने वाली किस्मों के लिए 70 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज उपयुक्त रहता है। उत्तम पैदावार के लिए अगेती किस्मों की कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेंटीमीटर के मध्य और देर से पकने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार में पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेंटीमीटर सर्वोत्तम मानी गई है। अब बात आते हैं किसान भाइयों खाद प्रबंधन की। मटर की अच्छी उपज पाने के लिए 15 टन वर्मिंग कंपोस्ट और 2 टन वीडी कंपोस्ट या फिर 25 टन गोबर की खाद और 2 टन वीडी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। यह खादें अच्छी प्रकार हल चलाते समय भूमि में मिला देनी चाहिए। वर्मिंग कंपोस्ट को अंतिम जुताई के समय ही आप प्रयोग में लें जिससे मटर की जैविक फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति संभव है। जो आप रासायनिक खादों से करते हैं वो पूर्ति इससे हो जाती है। अब बात आती है किसान भाइयों सिंचाई व जल प्रबंधन। मटर की बिजाई से पहले एक सिंचाई करें और उसके उपरांत 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मटर की फसल के लिए पानी की आवश्यकता भूमि व वर्षा पर निर्भर करती है। आमतौर पर मटर की फसल के लिए 2-3 सिंचाई बहुत जरूरी होती है। पहली सिंचाई बीज बोने से पहले, दूसरी सिंचाई फूल आने पर और तीसरी सिंचाई जब फलियां तैयार हो रही होती हैं। जमीन में अधिक नमी मटर की फसल के लिए हानिकारक होती है जो कि जड़ सड़न, पौधों का पीला पड़ जाना तथा फसल के दूसरे तत्वों को उपयोग में लाने में अवरोधक होती है। अब बात आती है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की। मटर की जैविक खेती में 1-2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है जो कि फसल की किस्म पर निर्भर करती है। पहली निराई व गुड़ाई जब पौधे में 3-4 पत्ते हों या फिर बिजाई से 3-4 सप्ताह बाद करें, दूसरी फूल आने से पहले करें और खेत की मेढों पर पाए जाने वाले वार्षिक घास वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम उनको नष्ट करने के उपरांत की जा सकती है। अब बात है किसान भाइयों कीट एवं रोग नियंत्रण की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कीट नियंत्रण की। तना छेदक, पत्ती छेदक व पत्ती सुरंगक। मटर की फसल में तना छेदक, पत्ती छेदक व पत्ती सुरंगक कीटों का प्रकोप होता है। फल छेदक की सुंडियां फली में घुसकर दानों को खा जाती हैं। पत्ती सुरंगक कीट की मादा मक्खी पत्ती के ऊपरी व निचले सतह के बीच में अंडे देती हैं। इनकी सुंडियां पत्ते के हरे भाग को खाकर सुरंगों का जाल बिछा देती हैं। इन सब के नियंत्रण के लिए
इसकी रोकथाम के लिए कीटरोधी स्वस्थ बीज का उपयोग करें आप, यानी कीटरोधी बीज का प्रयोग किस्म का प्रयोग करें। फसल में प्रति सप्ताह एजेड डायरेक्टिन 0.15% की 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, ये एजेड डायरेक्टिन नीम तेल है, इसके बारे में हमने विस्तार से लिखा है। जैविक खेती का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, आप इसके बारे में हमारी वेबसाइट पे आके अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, रोग और उनका नियंत्रण किस प्रकार करें आप। उकता, इस रोग से पौधे का ऊपरी भाग पीला पड़ना, निचली पत्तियों का पीला होकर मुरझाना और जड़ों का कमजोर होना प्रमुख लक्षण है तथा इससे पौधे सूख जाते हैं। मूल विगलन, इस रोग से बीज प्रारंभिक अवस्था में मिट्टी के अंदर या अंकुरित होकर सड़ जाते हैं, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे गल जाते हैं। जल का समुचित निकास नहीं होने से यह रोग अधिक फैलता है। चूर्णिल असिता, यह रोग कई सब्जियों में लगता है, पत्तियों, दानों और फलियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे धूल भरे दिखाई देते हैं। रोग का प्रकोप फरवरी से मार्च में अधिक होता है, इससे फसल की उपज पर गुणवत्ता में क्षति होती है। रोकथाम किस प्रकार करें आप। नंबर एक, रोगरोधी या सहनशील किस्मों का प्रयोग करें। नंबर दो, मटर की जैविक खेती हेतु ट्राइकोडर्मा से उपचारित खाद का प्रयोग करें। किसान भाइयों, आप यदि यह जानना चाहते हैं कि ट्राइकोडर्मा से आप खाद का किस प्रकार उपचार करें, तो इसके बारे में भी हमने विस्तार से लिखा है, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसको भी सुन सकते हैं। नंबर तीन, रोग की प्रारंभिक अवस्था में सुडोनोनास फ्लोरेंस 10 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। नंबर चार, खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई द्वारा मिट्टी में वायु संचार करें। नंबर पांच, फसल चक्कर अपनाएं। नंबर छह, मटर की जैविक खेती से रोगी पौधों को निकाल कर नष्ट कर दें। और नंबर सात, चूर्णिल असिता में चूर्णिल असिता के लिए गंधक सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर का आप छिड़काव करें। कुछ जैविक कीटनाशी हैं किसान भाइयों जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो इस प्रकार हैं। बैक्टीरिया से बना कीटनाशक जैसे वायोलेप आल्ट डेल्फिन 1 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव आप कर सकते हैं। नंबर दो, नीम से बना कीटनाशक अचूक नीमिसिडान, नीम गोल्ड और नीमोल से रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण हो सकता है। और नंबर चार, मटर की जैविक फसल में एलियोकल या फिर एलियोसाइड के उपयोग से फल छेदक कीटों का नियंत्रण संभव है। नंबर चार, खैनी या जामुन से भी कीटनाशक दवा बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। मटर के कीट एवं रोग की यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो विस्तार से यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि जैविक तरीके से आप अपनी मटर की फसल में किस प्रकार रोकथाम करें, या फिर हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं। और यदि किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप अपना जैविक प्रमाणीकरण अवश्य करा लें, उससे आपके उत्पाद अच्छे मूल्य पर बिकेंगे। जैविक प्रमाणीकरण जैविक उत्पाद की गुणवत्ता एवं सत्यता को प्रमाणित करने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा कराया गया एक मूल्यांकन है। जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने जैविक कृषि करने वाले कुछ मापदंड तैयार किए हैं। भारत में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात एवं विकास प्राधिकरण, जिसको APEDA से जानते हैं, से अनुमोदन प्राप्त करती है। जैविक प्रमाण पत्र भूमि पर जैविक तरीके से की गई खेती की सत्यता को निर्धारित करते हुए उस भूमि के लिए निर्गत किया जाता है। इस प्रमाणीकरण की हम पूरी जानकारी किसान भाइयों अगले किसी लेख में देंगे और वीडियो भी इस पर हम बनाएंगे ताकि आपको कोई समस्या न आए। उसके बाद है किसान भाइयों फलों की तुड़वाई। मटर की जैविक फसल से मंडी में अच्छी कीमत के लिए फलियों का समय पर तोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा इनके गुण पर प्रभाव पड़ता है। फलियां तब तोड़े जब वह पूर्णतः दानों से भर जाए, इसके पश्चात हरा रंग घटने लग जाता है। सामान्यतः फलियों की तुड़ाई 7 से 10 दिन के अंतराल पर करें। मटर की फसल की कुल 4 से 5 तुड़वाइयां होनी चाहिए। दाल के लिए उगाई गई फसल की कटाई पूर्णतः पकने के बाद करें। मटर की तुड़ाई या कटाई सुबह शाम करें। दिन में तेज धूप पड़ने पर मटर की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। मटर
फल की तुड़वाई पौधों से बहुत सावधानी से करनी चाहिए ताकि पौधों को क्षति न पहुंचे। उसके बाद किसान भाइयों, इस उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीकी से आपको जैविक खेती से कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक सुझाव है किसान भाइयों के लिए, यदि आप रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं तो आपकी शुरू के 1 से 2 या फिर 3 साल तक पैदावार में गिरावट आ सकती है, 5 से 15% तक। तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 2 से 3 साल के बाद आपकी फसल की पैदावार रासायनिक खेती से अधिक बन जाएगी। उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीकी से मटर की जैविक अगेती फसल की पैदावार 70 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि मुख्य फसल की पैदावार 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अब बात आती है किसान भाइयों भंडारण की। हरी मटर की फलियों की ग्रेडिंग व पैकिंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। प्राय मटर की बोरियां बांस की टोकरियां आदि में पैक किया जाता है इनको, और मंडियों में पहुंचाया जाता है। मटर की फलियों पर अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इस पर फफूंद जैसी बीमारी या व्याधि आ सकती है। तो ये तो थी किसान भाइयों मटर की जैविक खेती कैसे करें, इसका सार यही है किसान भाइयों। इसमें एक तो आपको उत्पादन लागत नहीं आएगी, क्योंकि आपके जो घर में सामान है उसी से आपको सब कुछ जुटाना पड़ता है। हो सकता है आपको 1-2 साल इसमें समस्या आए, लेकिन धीरे धीरे आप इन सब के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपने घर में जो उत्पाद प्रयोग करते हैं उसकी आप जैविक खेती कीजिए, ताकि आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनको रोग वगैरह से बचा सकें आप। यानी कि आप अपने घरेलू खेती के लिए जैविक खेती का प्रयोग अवश्य कीजिए। और इस वीडियो में उपलब्ध जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना आप मत भूलिए। और यदि आपको वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप हमारी साइट पे आके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस लेख का लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का